Hi everyone, Sachin Jangra this side, and once again welcome back to another video. So first of all, I hope everyone is doing fine. सब ठीक ठाक होंगे, सबकी तबीयत बढ़िया से होगी और सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. तो अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात. एंड आज की वीडियो अकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग योर एमबीबीएस फ्रॉम यूक्रेन, या आप सोच भी रहे हो आगे कभी यूक्रेन से एमबीबीएस करने की, तो वाई थर्ड ईयर इज सो इम्पोर्टेंट वेन यू आर स्टडिंग योर एमबीबीएस इन यूक्रेन. किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो तो थर्ड ईयर का इम्पोर्टेंस क्या है, थर्ड ईयर के बारे में आपको जानना जरूरी क्यों है, एंड वाई थर्ड ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. और कुछ अलग सी वीडियो है, जो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. तीन या चार पॉइंट्स ऐसे हैं जो एज अ यूक्रेनियन मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए, या फिर आप खुद को फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट अगर बोलते हो, अगर आप यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हो ऑब्वियसली, तो वो तीन या चार चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए. तो फिर चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज, मैंने जो हमारी पिछली वीडियो थी, पिछली से पिछली जो वीडियो थी हमारी, थर्ड ईयर मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा इस टॉपिक को लेके कि वाई थर्ड ईयर इज सो इम्पोर्टेंट वेन यू आर स्टडिंग और वेन यू आर डूइंग योर एमबीबीएस फ्रॉम यूक्रेन इन यूक्रेन. तो पहले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, जो पहली चीज जो थर्ड ईयर को बहुत स्पेशल बनाती है, वो है बहुत सारे फाइनल एग्जाम्स ऑफ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स. अब फाइनल एग्जाम से मतलब क्या है कि फाइनल एग्जाम ऐसा एग्जाम होगा जिसके बाद आप जो सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हो वो सब्जेक्ट आपका फिनिश हो जाता है, उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके फाइनल एग्जाम्स आपको थर्ड ईयर में देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है. उन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है फार्माकोलॉजी, उसके बाद आता है जनरल सर्जरी, उसके बाद आता है ऑपरेटिव सर्जरी, पैथमोर्फोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं जो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो थर्ड ईयर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो चीज थर्ड ईयर को इंपॉर्टेंट बनाती है, वो है आपके फाइनल एग्जाम्स ऑफ सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. तो मेक श्योर अगर आप थर्ड ईयर में आ रहे हो तो खुद को इस तरीके से आप प्रिपेयर करो कि आप आने वाले सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाओ. गाइस, उसके बाद हम लोग हमारे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जिसकी वजह से थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और वो है आपकी क्लिनिकल स्टार्टिंग. यानी सेकंड पॉइंट है हमारा क्लिनिकल स्टार्टिंग. व्हाट डू आई मीन बाय क्लिनिकल स्टार्टिंग, इसका साफ साफ ये मतलब है कि आपके क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके थर्ड ईयर से शुरू हो जाते हैं. नॉट बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बट आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन जब आप फर्स्ट सेमेस्टर फिनिश करते हो, उसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर आता है, तो सेकंड सेमेस्टर में आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जिसके लिए आपको जाना ही पड़ता है, हॉस्पिटल्स में आपकी क्लासेस लगना शुरू हो जाती हैं. तो थोड़ा थोड़ा जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो आपको थर्ड ईयर में मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ता है. ठीक है, अब ये इससे काफी चीजें अफेक्ट होती हैं, आपका रूटीन काफी हेक्टिक हो जाता है. ठीक है, वो हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे. तो आपका रूटीन काफी हेक्टिक हो जाता है, उसके बाद आपको कुकिंग भी अगर करनी है, आप खुद खाना वाना भी बनाते हो, एंड क्लासेस भी हॉस्पिटल, अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे आपको हॉस्पिटल्स मिलते हैं. कुछ हॉस्पिटल्स पास में हैं बट कुछ थोड़ा सा दूर है. क्लिनिकल स्टार्टिंग के बाद हम लोग गाइस बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जिसकी वजह से थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ता है, और थर्ड पॉइंट है हेक्टिक स्केड्यूल. अब आपकी हॉस्पिटल्स में क्लासेस लगती हैं कुछ, ठीक है, आपके फाइनल्स एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें फार्मा, पैथोलॉजी और ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं. तो उसके बाद आपका जो स्केड्यूल होता है पूरे दिन का, वो इतना बिजी हो जाता है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना बिजी आपका थर्ड ईयर हो सकता है इफ यू आर अ स्टूडियस स्टूडेंट. अगर आप जेन्युइनली पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और जेन्युइनली अपना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल फील दैट प्रेशर, यू विल फील दैट हेक्टिकनेस. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, हालांकि हमारी तो सारी क्लासेस ऑफलाइन लगी भी नहीं, थर्ड ईयर पूरा ऑनलाइन गया हमारा, बट स्टिल आई कैन टेल यू कि भाई थर्ड ईयर इज वेरी हेक्टिक एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर आप सेकंड ईयर के बाद प्रमोट हो रहे हो थर्ड ईयर में, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी अटेंटिव एज वेल कि आप लोग अपना स्केड्यूल किस तरीके से मैनेज करते हो. तो बहुत जरूरी है अपना टाइम मैनेज करना, बहुत जरूरी है आपका एक सीधा सा टाइम टेबल हो जिसमें आपने हर चीज को डिवाइड किया हो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, कि कहाँ पे आपको किस चीज के लिए कितना टाइम निकालना है. तो थर्ड ईयर उस चीज के लिए बहुत जरूरी है. तो हेक्टिक स्केड्यूल क्या होता है कि आप क्लासेस में जाते हो, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, उसके बाद आप कुकिंग करते हो, एंड नॉर्मल लाइफ जो है वो आपकी चलती रहती है. टाइम मैनेजमेंट के बाद, यानी हेक्टिक स्केड्यूल के बाद, हम लोग बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, और ये लास्ट पॉइंट भी है हमारा, और लास्ट पॉइंट है हमारा क्रोक ईयर. अब थर्ड ईयर को हम लोग क्रोक ईयर बोलते हैं. अगर आप यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहे हो, ऑब्वियसली ये वीडियो पूरा यूक्रेन वालों के लिए बना रहा हूं मैं, तो यूक्रेन में जब आप आते हो और अपना थर्ड ईयर करते हो, तो आपको पता लगेगा कि थर्ड ईयर में आते ही, यानी सेकंड ईयर आपका फिनिश हुआ, यू हैव पास्ड योर सेकंड ईयर सक्सेसफुली एंड यू आर प्रमोटेड टू योर थर्ड ईयर, वहां पे आते ही आपको क्रोक
का एक्सपीरियंस आपको होने लगेगा कि क्रोक एग्जाम आ रहा है, क्रोक एग्जाम आ रहा है. और क्रोक एग्जाम होता कब है? थर्ड ईयर के लास्ट में, मतलब आपका जब थर्ड ईयर पूरा हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ, उसके बाद आपका थर्ड ईयर आता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस क्रोक एग्जाम. आपको कुछ बच्चे मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं क्रोक ऐसे ही हो जाता है, निकल जाता है, कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है. और कुछ बच्चे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही क्रोक एग्जाम निकलेगा. तो जो दूसरे वाले बच्चे हैं उसमें मैं भी आता हूं. तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्रोक एग्जाम को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, बट इतना भी ज्यादा आपको उसके लिए वरिड होने की जरूरत नहीं है कि क्रोक एग्जाम नहीं होगा, बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ. ये टफ नहीं है, आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हो. इफ यू आर रेगुलर स्टूडेंट, इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, इफ यू हैव बीन कंसिस्टेंट इन योर क्लासेस, राइट, उसके बाद आपको पता है कि आपने डेली डेली क्या चीजें पढ़ी हैं. बेशक आप वो चीजें प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हो क्लास के लिए, बट स्टिल यू नो द टॉपिक्स, राइट. आपको टॉपिक्स के नाम पता है, आपको पता है कि इस क्लास के लिए हमने क्या पढ़ा है, आपको पता है कि अगली क्लास के लिए हमें कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है. तो ये सारी चीजें क्रोक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोक एग्जाम में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट्स होते हैं नाइन सब्जेक्ट्स आते हैं, एंड उसमें एनाटॉमी और ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. बट थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, बेसिकली जैसे फार्माकोलॉजी, पैथ मॉर्फोलॉजी, पैथ फिजियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों सब्जेक्ट्स हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है. तो थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है क्रोक एग्जाम की वजह से. ये तीन चार पॉइंट थे जो मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे कि थर्ड ईयर, व्हाई थर्ड ईयर इज सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये हमेशा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अभी तक मैं फोर्थ ईयर में हूँ. करंटली आई एम इन फोर्थ ईयर इन विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूक्रेन. तो फर्स्ट ईयर मैं ऑफलाइन थी मेरी क्लासेस, सेकंड ईयर मेरी ऑफलाइन थी, थर्ड ईयर मेरा पूरा ऑनलाइन था, एंड फोर्थ ईयर अभी ऑफलाइन हमारा चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं इधर. तो सबसे, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आपको सबसे हेक्टिक और सबसे यू नो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा डिफिकल्ट ईयर आपको कौन सा लगा, सो आई विल ऑलवेज से इट्स थर्ड ईयर. तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. और कुछ पॉइंट्स थे, शायद थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, कुछ पॉइंट्स थे यही जो मेरे को डिस्कस करने थे. एंड आई होप कि आप हमेशा की तरह इस वीडियो को पसंद करोगे. तो अगर आपको वीडियो आई हो पसंद, तो एक बड़ा सा थम्स अप देना आपको, जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू कम यूक्रेन, और किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर वो लोग आ रहे हैं, या फिर वो इधर पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी अगर वो इधर ही पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर में, और वेदर देयर इन थर्ड ईयर, यू नो, जस्ट शेयर द वीडियो विद देम. एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डिड यू लाइक द वीडियो और नॉट, या फिर कोई सजेशन आपकी वीडियोज के लिए, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जिस टॉपिक को डिस्कस करवाने के लिए. तो आई विल बी मेकिंग श्योर कि वो वीडियो जल्दी से जल्दी मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए. तो वो चीज़ आप कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है जहाँ पे मैं MBBS अब्रॉड का स्टडी मटेरियल कंटिन्यूअसली भेजता रहता हूँ. वहाँ पे कंसिस्टेंट हूँ मैं बहुत ज्यादा, और वहाँ पे मैं चीजें भेजता रहता हूँ. क्रोक के क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पे भेजता रहता हूँ. तो इफ यू हैवंट ज्वाइंड दैट ग्रुप येट, देन जस्ट गो एंड ज्वाइन द ग्रुप. यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग अपना, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो. टेक केयर. बाय बाय.